हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद सियासत भी गरमाई हुई है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार कुछ न कुछ बयान आ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की तरफ से। कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि अगर हमारे यहां पर टिकट बंटवारा ठीक तरीके से होता तो हम और ज्यादा सीटें जीतते। उनके यहां भी भीतरघात की कुछ बातें चल रही हैं। तो वहीं बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर लगातार मंथन भी किया जा रहा है और उस पर बयान दिए जा रहे हैं। चौधरी रणजीत सिंह जो हिसार से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए, अब उन्होंने एक बयान दिया था कि जयचंद जो थे उनका भी इलाज किया जाएगा। उनके जयचंद वाले बयान पर अब बीजेपी में बयानबाजी तेज हो चुकी है और इस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी बयान आया है कि रणजीत सिंह इस तरह की बात न करें, अगर उन्हें कोई शिकायत है तो वो हमें बताएं या फिर आलाकमान से बात करें या फिर लिख कर दें। जयचंद करा है, जयचंद को हाईकमांड के नोटिस नहीं लिए, मैंने लिख के दिया, नाम लिख के दिया है, पर प्लेटफॉर्म पे मैं कहीं के नाम उनके नहीं लूंगा। जो मंच होगा उस पर कहूंगा और पार्टी के लीडर से कहूंगा कि इन्हें सुधारो, आइंदा हमें हरियाणा विधानसभा अगला चुनाव लड़ना है, ये बहुत चैलेंजेबल चुनाव होगा, इसके लिए हमें पूरी तैयारी करके लड़ना पड़ेगा। देखिए, हमने रणजीत चौटाला जी को कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से काम किया है, इस प्रकार का बात ना करें, अगर आपने करनी है तो हमें आकर के बताएं, केंद्रीय नेतृत्व को बताएं, लिख करके बताएं, अगर किसी ने कोई कहीं पर भी कोई दिक्कत करी है तो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेगा।